आज हम जेट स्ट्रीम के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए जेट स्ट्रीम का नामकरण, इसके प्रकार, इसके उत्पत्ति के कारक, इसकी विशेषताओं, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले मौसमी दशाओं आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। वास्तव में जेट स्ट्रीम ध्रुवों के ऊपर पछुआ पवन प्रवाह का एक भंवर है, वर्ल है। इसका नामकरण अजीब घटना के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हुआ, जब अमेरिकन बॉम्बर जेट प्लेन्स जापान की तरफ जा रहे थे, उस समय हवा के द्वारा उनमें बाधा उत्पन्न हो रही थी और गति कम हो रही थी, जबकि वापसी में यानी पश्चिम से पूरब आने पर इस तरह की बाधा नहीं थी और प्लेन की गति में काफी वृद्धि हो गई। बाद में अध्ययन करने के बाद, खोज करने के बाद पता चला कि ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रबल पवन संचार होता है। लेटर ऑन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन रिवील द फैक्ट देयर वाज, और इस वायु के कारण जेट विमान की गति में अंतर आ रहा था। इसी के आधार पर इसका नामकरण जेट स्ट्रीम रखा गया। अब जेट स्ट्रीम जो होती है वो ध्रुवों के ऊपर प्रवाहित होती है 7.5 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इसका भूमध्य रेखा की ओर विस्तार मौसम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम का अधिकतम विस्तार यानी 20 अंश उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है, और ग्रीष्म काल में इसका विस्तार उत्तर की ओर खिसक जाता है, कम हो जाता है। दूसरी बात है कि शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम अत्यधिक प्रबल हो जाती है और इसकी वायु की गति ग्रीष्मकालीन गति से दुगनी हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि इस जेट स्ट्रीम की विड्थ क्या होती है। जेट स्ट्रीम, जैसा मैंने बताया कि ये 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कुछ 100 किलोमीटर की चौड़ाई में और 2 से 4 किलोमीटर की गहराई में प्रवाहित होती है। अब देखना है कि इस जेट स्ट्रीम का जनन कैसे होता है। इसके उत्पत्ति के लिए 3 प्रमुख कारक हैं। नंबर 1, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तीव्र तापीय प्रवणता। नंबर 2, ध्रुवों के ऊपर उचित वायु दाब का निर्माण। नंबर 3, ध्रुवों के ऊपर परिध्रुवीय पवन भंवर का निर्माण, जो कि ऊपरी क्षोभ मंडल के लो प्रेशर के कारण विकसित हो जाता है। अब ये जो हवाएं हैं, जेट स्ट्रीम है, ये जब सीधी गति में चलती हैं, सीधी दिशा में चलती हैं, तो इनका मौसम पर कोई खास प्रभाव नहीं होता है, लेकिन निर्माण के बाद धीरे धीरे वक्राकार मार होता जाता है और सीधे मार्ग से लेकर के मेंडरिंग कोर्स तक के जो समय की अवधि होती है जिसमें पूर्ण होता है, उसको हम इंडेक्स साइकिल कहते हैं, और ये 4 अवस्थाओं में परिपूर्ण होता है। नंबर 1 स्टेज में जेट स्ट्रीम सीधी रेखा में प्रवाहित होती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इसका मार्ग वक्र होता जाता है, और 3rd स्टेज में आते आते इसका मार्ग जो है
प्रवाह मार्ग जो होता है पूर्ण रूप से विसर्पित हो जाता है और इसे कहते हैं रास्बी वेव्स, रास्बी महोदय के आधार पर इसको हम रास्बी लहर भी कहते हैं। चौथे स्टेज में आते आते इतना ज्यादा मेंडरिंग हो जाती है और जिसके कारण जैसे नदी में के मेंडर में कटाव होता है वैसे यहां भी कटाव हो जाता है और ये जो कटाव पोर्शन है जेट स्ट्रीम का इसमें दो तरह का पवन संचरण होता है, एक चक्रवाती होता है और ऊंचाई पर प्रतिचक्रवाती होता है और इस कारण से क्षोभ मंडल में वायु में डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस होता है। इस कारण से क्षोभ मंडल में वायु का अपसरण और अभिसरण होता है जिसके कारण चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती दशाएं विकसित होती हैं। चक्रवाती दशा में हवा में ऊपर की तरफ गति होती है, प्रति चक्रवाती दशा में हवा के नीचे की गति होती है। परिणाम परिमुखी ऊपर की ओर गति होने के कारण स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर की हवाओं में मिश्रण ज्यादा हो जाता है और ये अपवर्ड जो मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ जो होती है वो ट्रोपोस्फीयर से पोल्यूटेंट्स को लेके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, जैसे कि ऊपर उठने वाली ये हवाएं ट्रोपोस्फीयर से प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचा देते हैं जिसके कारण ओजोन में क्षरण होता है। अब जो ये साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बने मेडनिंग पाथ के कट ऑफ होने से इसके द्वारा ही लोकल स्थानीय स्तर पर मौसम प्रभावित होता है, भारत की मानसून जलवायु भी प्रभावित होती है। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपको धन्यवाद।